नमस्कार दोस्तों, एचपी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अरविंद वापस एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। कई समय से बच्चे बोल रहे थे कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। जैसा आप देख पा रहे हो, कुछ मेडिकल कारणों की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो रेगुलर आपके नए टॉपिक आते रहेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुस्तकालय के आयोग व समितियां। कई सारे एग्जामों में देखा होगा आपने कि पुस्तकालय के आयोग व समितियों से हमेशा क्वेश्चन पुट अप होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयोग व समितियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आयोग व समितियों के बारे में। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंतर्गत आपके दो प्रकार के आयोग व समितियां हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं स्वतंत्रता के पूर्व और एक पढ़ते हैं स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब आजादी के पहले के आयोग और आजादी के पश्चात के आयोग। आजादी के पश्चात जो बनाए गए आयोग आप जानते हो आपकी भारत सरकार के द्वारा बनाए गए थे, और आजादी के पूर्व में जो बनाए गए थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ आयोग थे। तो आज केवल हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो आयोग बनाए गए वो स्वतंत्रता के पूर्व कौन कौन से आयोग बनाए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व के आयोग। आयोग व कुछ समितियां, क्लियर है? तो आज इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आयोग स्वतंत्रता के पूर्व बनाए गए हैं और उनका भारत में किस प्रकार से योगदान रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हंटर आयोग के बारे में। सबसे पहला याद रखना, हंटर आयोग। सबसे पहले नंबर पर कौन सा आयोग आता है आपका? हंटर आयोग। अब सीधा सा इसको याद रखने का तरीका कि भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए बनाया गया सबसे पहला आयोग कौन सा है? हंटर आयोग। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था। तो सीधा सा याद रखना, अंग्रेज क्या मारते थे? हंटर। तो हंटर से याद रखना, हंटर आयोग आया सबसे पहले। कौन सा आयोग आया? हंटर आयोग। हंटर आयोग कब आया है तो याद रखना 1882 में आया था, ठीक है? तो सबसे पहला आयोग हंटर आयोग 1882 के अंतर्गत आया था, ठीक है? इस आयोग के अध्यक्ष, इसके नाम से ही पता लग जाएगा किसके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। तो इस आयोग का जो गठन किया गया है वो सर विलियम हंटर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सर विलियम हंटर के द्वारा, क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये आपके किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई? सर विलियम हंटर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। लेकिन इस आयोग की नियुक्ति या इस आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? इस आयोग की जो नियुक्ति की गई थी, नियुक्ति वो की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा इस आयोग की नियुक्ति की गई थी, हंटर आयोग की 1882 में, क्लियर है? इसके बाद अगली हम बात करते हैं इसी आयोग के अंतर्गत इस आयोग के सदस्य कौन कौन थे। तो प्रमुख सदस्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस आयोग का संबंध किसके साथ है? तो सदस्य थे इस आयोग के, सदस्य कौन कौन है पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो सैयद महमूद, इसके बाद आनंद मोहन बोस भी इसके सदस्य रहे हैं, के टी तेलंग भी इसके सदस्य रहे हैं, भूदेव मुखर्जी मुखर्जी भी इसके सदस्य रहे, ठीक है? पूछ लिया जा सकता है इन चारों में से किसी का भी नाम देके कि किस आयोग के साथ इसका संबंध रहा है, ठीक है? तो सैयद महमूद, आनंद मोहन बोस, केटी तेलंग और भूदेव मुखर्जी का संबंध किस आयोग के साथ रहा है? तो अंतर आयोग के साथ रहा है, क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं इस आयोग से जो क्वेश्चन पूछा गया है एक बार
कि इस आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस आयोग का उद्देश्य पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इस आयोग का जो गठन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था भारत में विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना करना। तो याद रखना कि इस आयोग का संबंध वैसे शैक्षणिक पुस्तकालय के साथ है, लेकिन शैक्षणिक पुस्तकालय में भी किस कौन से पुस्तकालय किसके अंतर्गत, तो विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो विद्यालय और महाविद्यालय के गठन के लिए या स्थापना करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। एक बार वापस से देख लेंगे, हंटर आयोग, हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ है, सर विलियम हंटर के द्वारा किया गया है, अंग्रेज हंटर मारते थे, याद रखना सबसे पहला आयोग। इसके बाद नियुक्ति किसकी समय में हुई, तो लॉर्ड रिपिन के समय में इसकी नियुक्ति की गई है, तो नियुक्ति लॉर्ड रिपिन के द्वारा की गई है। सदस्य कौन कौन है, सैयद महमूद है, आपके आनंद मोहन बोस है, के टी तेलंगी और भूदेव मुखर्जी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना करना भारत में इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, क्लियर है। इसके बाद अगले आयोग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो अगला जो आयोग आता है उस आयोग के बारे में हम देखते हैं, अगला आयोग है रेले कमीशन। रेले कमीशन, क्लियर है। तो रेले कमीशन के ऊपर चर्चा करते हैं कि रेले कमीशन, तो रेले कमीशन सीधा सा याद रखना, ये आपके रेले दो के समान नजर आ रहे हैं, तो रेले से याद रखना, रेले कमीशन कब आया, 1902 में आया, ठीक है, दो रेले कमीशन। तो दूसरे नंबर पर आपका रेले कमीशन 1902 में आया है। रेले कमीशन के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है, तो रेले कमीशन के अंतर्गत हम देखते हैं इसकी अध्यक्षता, सबसे पहले तो इसकी अध्यक्षता है सर थॉमस रेले। कौन थे इसके अध्यक्ष, सर थॉमस रेले को इसके अध्यक्ष बनाए गए थे रेले कमीशन। अब बात करते हैं कि रेले कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य पर चर्चा कर लेते हैं। ये उद्देश्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो याद रखना इसका जो उद्देश्य था ये था शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास करना, शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास, और उनके विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य, किसी भी शैक्षणिक पुस्तकालय का विकास करना है तो वहां पर उत्कृष्ट कोटि की सेवाएं होनी चाहिए, प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए, ये सब किसके द्वारा बताया गया है, रेले कमीशन के द्वारा। तो रेले कमीशन 1902, रेले रेक से आपको दो याद रखना है, क्लियर है, सीधा सा आसान। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आयोग आता है आपका, वो आता है तीसरे नंबर पर सेडलर आयोग, सेडलर आयोग। अब ये सेडलर आयोग कब आया, तो सेडलर से सीधा सा याद रखना है आपको, सेडलर से 1917 में आया, कब आया है, 1917 में आपके सेडलर आयोग आया, क्लियर है। सेडलर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सेडलर आयोग के अध्यक्ष याद रखना है आपको माइकल सेडलर, बहुत ही आसान, नाम से ही पता लग रहा है माइकल सेडलर, सेडलर आयोग के अध्यक्ष रहे, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं सेडलर आयोग के बारे में, तो सेडलर आयोग के अंतर्गत हमें जो सबसे मुख्य चीजों पर जो याद बात करनी है कि इस आयोग का उद्देश्य, तो इस आयोग के उद्देश्य पर चर्चा कर लेते हैं, क्या रहा है, तो इस आयोग के द्वारा बताया गया था सबसे पहले कि पुस्तकालय अध्यक्ष का पद और एक शिक्षक का पद दोनों के पद समकक्ष माने गए, किस आयोग के अनुसार, सेडलर आयोग। तो एक पुस्तकालय अध्यक्ष व शिक्षक मतलब अध्यापक दोनों के पदों को समकक्ष किसने माना है, सेडलर आयोग ने माना है समकक्ष, किस आयोग के द्वारा माना गया है। वित्त के बारे में आगे हम बात करेंगे, आगे हम आगे आयोग पढ़ेंगे, आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग, उस आयोग के द्वारा आपके पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षक के वेतन को बराबर माना गया, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की किसको बराबर माना गया है, पद को बराबर माना गया, तो पद को क्या माना गया है, समकक्ष
माना गया। क्लियर। अगली बात करते हैं सेडलर आयोग में, तो सेडलर आयोग के द्वारा सर्वप्रथम भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में शिक्षा की स्थिति को सुधार करने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया गया वो सेडलर आयोग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सेडलर आयोग के द्वारा राज्यों में शिक्षा की स्थिति को सुधारा गया। शिक्षा की स्थिति को सुधारा गया। किस आयोग के द्वारा सुधारा गया? सेडलर आयोग के द्वारा सुधारा गया। अब इसके बाद इस आयोग के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है, सेडलर आयोग का जो संबंध है इसका एक सदस्य था वह था आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी। और ये जो आशुतोष मुखर्जी है इनको बंगाल का बाघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का बाघ। अब आप सभी को पता होगा, अगर आपने राष्ट्रीय पुस्तकालय पढ़ा हो तो राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंतर्गत 1910 में 76,000 पुस्तकें दान में दी थी। कितनी पुस्तकें? 76,000 पुस्तकें दान स्वरूप दान में दी थी। किसके द्वारा? आशुतोष मुखर्जी के द्वारा। किसको? राष्ट्रीय पुस्तकालय को। इसी कारण बंगाल का बाघ भी किसको कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को, जिसका संबंध किसके साथ है? सेडलर आयोग के साथ रहा है। क्लियर है। अब इन तीनों आयोगों की एक सबसे प्रमुख बात मैं बताता हूँ, इनके दूसरे नाम जो पूछे जाते हैं कई बार, जैसे आपसे पूछ लिया जाए रेलवे कमीशन का अन्य नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, हंटर आयोग का भी दूसरा नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं हंटर आयोग का अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम, हंटर आयोग का जो अन्य नाम है भारतीय शिक्षा आयोग है। क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग। अब यहाँ पर सीधा सा एक चीज आपको जो कंफ्यूज करती है, अगर आपको केवल दे दिया जाए शिक्षा आयोग तो शिक्षा आयोग हम आगे पढ़ेंगे, कोठारी आयोग का अन्य नाम क्या है? शिक्षा आयोग। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भारतीय शिक्षा आयोग, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व जितने भी आयोग बने उन आयोगों के नाम के आगे भारतीय शब्द जोड़ा गया। लेकिन जितने भी आयोग, जैसे आपके स्वतंत्रता के बाद के आयोग जो हम पढ़ेंगे वहां पर आपके भारतीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस आयोग का नाम अन्य है भारतीय शिक्षा आयोग। कौन सा आयोग है? भारतीय शिक्षा आयोग, इसका अन्य नाम है। अगर केवल शिक्षा आयोग दे दिया जाए तो हंटर आयोग के, और आपको भारतीय शिक्षा आयोग केवल शिक्षा आयोग दे दिया जाए तो कोठारी आयोग, और केवल आपको दे दिया भारतीय शिक्षा आयोग तो हंटर आयोग आपका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं रेलवे कमीशन। रेलवे कमीशन का अन्य नाम जो है वो है आपके भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। केवल आपको दे दिया जाए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तो है आपका राधा कृष्णन आयोग। लेकिन आपको दे दिया जाए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्व विद्यालय आयोग। क्लियर। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग तो किसका नाम है? आपके रेलवे कमीशन का। और आपसे पूछ दे दिया जाए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तो वो आपके राधा कृष्णन आयोग का अन्य नाम है। क्लियर। हंटर आयोग का भी अन्य नाम है, हंटर आयोग का अन्य नाम है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्व विद्यालय आयोग। क्या नाम है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सेडलर आयोग, रेलवे कमीशन भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, और भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग। तो ये थे आपके स्वतंत्रता के पूर्व के आयोग। क्लियर है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के क्रम में आगे की जो वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे वो भारत में ही कौन कौन से, भारत स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कौन कौन से आयोग बनाए गए उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है। धन्यवाद।